ड्रामेबाजी। देखिए जी, बेटियां तो बहुत ही प्यारी होती हैं, और बेटियां सिर्फ ये नहीं कि आपकी अपनी बेटियां, आपकी बहू भी आपकी बेटी ही है। औरत जात, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक नरमी डाली है, एक मोहब्बत डाली है, अल्लाह ताला ने डाली है, एक माँ डाली, तो उनके अंदर एक माँ होती है। और जब आपको कोई मुश्किल आती है तो बेटे भी अच्छे होते हैं, ये नहीं मैं कहती, लेकिन बेटियों के अंदर एक ख़ास नरमी होती है, एक जज्बा होता है माँ बाप के लिए, और अक्सर बेटियाँ ही माँ बाप को ज़्यादा केयर करती हैं। तो ये तो अल्लाह की रहमत है, शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि आप अल्लाह ताला बेटी दे। मेरी एक ही बेटी है, मेरी दो बहुएँ हैं और मेरी माशाल्लाह तीन पोतियाँ हैं, तो हमारी पूरी फौज है घर में लड़कियों की, तो हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। हमारा तो ऐसा रिश्ता है कि लोग बातें करते हैं इस बारे में कि मेरी बेटी, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ सब खैरियत रखे, लेकिन अगर मैं ना रही तो पता नहीं मेरी बेटी कैसे सरवाइव करेगी, क्योंकि वो रोज़ सुबह उठ के मुझे पहले सलाम करती है, उसकी शादी होगी खैर से, और वो मुझे पूछती है कि आज मैंने अम्मा ये करना है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। और वो एक अच्छी बच्ची है जो कि बात को समझ जाती है, और अगर मैं उसको कोई बातें समझाती हूँ तो कहती जी ठीक है अम्मा, अम्मा प्लीज़ मुझे समझाएं, अम्मा ज़रा मुझे बताएं आज मैंने ऐसे कैसे करना है, अपने काम के हवाले से भी, तो ज़रा घबरा जाती है थोड़ी जल्दी, उसको मैं फिर समझाती हूँ। और एक हफ्ते से ज़्यादा हम दूर नहीं रह सकते, और वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है मुझे, जिससे मैं घबरा जाती हूँ, इधर शूट पे आ जाती है, बल्कि सब लोग कहते हैं ये क्या बच्ची है, मैं रात को ख्वाब देखा था आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आ रही हूँ, तो सेट पे आके मुझे खाना खिला देगी, सूप पिला देगी। तो बहुत प्यारा हमारा रिश्ता है, और मेरी बहुओं से भी, वो भी मेरी बेटियाँ हैं, तो बेटी तो एक बहुत प्यारी चीज़ है। मज़ा आएगा।